नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ है और हम पहुंचे हैं हिसार के अंदर, जहां पर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। क्यों लोग इतने इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? क्योंकि आज साल का पहला दिन था, सभी अपने अपने घरों में जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये लोग यहां क्यों पहुंचे हैं, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता खुराना जी हमारे साथ हैं, तो उनसे पूरी जानकारी आपको दिलवाते हैं। सर, रियल न्यूज हरियाणा पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे जो आज इतने लोग यहां पहुंचे हैं, क्या कारण है? साल का पहला दिन है, लोग घरों में जश्न मना रहे थे और यहां इतने लोग इकट्ठा करने का कारण क्या है? देखिए, जो डेरा सच्चा सौदा के दूसरी पातशाही परमपिता शास्त्रनाथ सिंह जी महाराज हैं, उनका 25 जनवरी को जन्मदिन होता है और इस जन्मदिन के दिन को सारी साध संगत पूरे विश्व में भंडारे के रूप में मनाती है और ये पूरा जनवरी का महीना है, अवतार माह के रूप में, जन्म माह के रूप में मनाया जाता है। तो आज ये 1 जनवरी का दिन है और ये साध संगत उसी उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुई है। ये आयोजन किया गया है डिस्ट्रिक्ट जिला हिसार की साध संगत द्वारा और यहाँ एकत्रित होकर इस आयोजन का मकसद सिर्फ मात्र एक है कि इस समाज से नशे को दूर भगाना। जो पूज्य गुरु संत गुरुमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा डेप कैंपेन चलाया गया है, नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, उसी नशा मुक्ति अभियान के तहत ये यहाँ साध संगत एकत्रित हुई है ताकि इस समाज से नशे को दूर भगाया जा सके। सर, आपने बताया नशा अभियान चलाया गया है, ऐसे इकट्ठा करने से नशा कैसे दूर होगा? देखिए, आप जो यहाँ देख रहे हैं 1.5-2 लाख की जो साध संगत, 2 लाख से भी ज्यादा मैं कहूंगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे साध संगत भी है, जो लोग नशा छोड़ने आए हैं वो लोग भी हैं। ये लोग जाकर पहले ही उनको कहना शुरू कर देते हैं नशा मुक्ति अभियान वहाँ चलाया जाएगा, जैसा कि साध संगत ने हाथ खड़े करके प्रण भी लिया है कि आज के बाद ना तो हम नशा करेंगे ना, और जो कर रहे हैं उनको रोकेंगे, क्योंकि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है नशे में ग्रस्त होती जा रही है और जो आने वाले देश का भविष्य है, अगर हमारे देश का भविष्य ही नशा में ग्रस्त हो जाएगा तो हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे कर पाएंगे। तो उसी के तहत पूज्य गुरु जी ने इस डेप कैंपेन को चलाया और साध संगत उसी कैंपेन को आगे बढ़ाए हुए है। और बड़ी खुशी की बात है कि माननीय भारत सरकार ने भी इस तरह का नशा मुक्ति अभियान चलाने का आग्रह किया है और आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में माननीय भारत सरकार के साथ है और किस हर तरह से प्रयासरत है कि इस समाज से नशे को दूर भगाया जाए। अगर बात करें, नशा युवा में इतना घर कर चुका है, पंजाब की बात करें या किसी भी राज्य में, बहुत ज्यादा किस प्रकार का नशा यहाँ छुटवाया जाता है? देखिए, जो साध संगत है ये तरह अपने इस तरह के आयोजन करके वहाँ कैंप लगाते हैं, उनको नशा छुड़वाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, एक ऐसा माहौल बनाया जाता है ताकि वो नशे से दूर रहें। अगर उनको किसी तरह की मेडिकली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो वो भी साध संगत अपने खर्चे से उनका इलाज करवाती है ताकि एक माहौल ऐसा बनाया जाए कि उस नशे की तरफ देखे ही ना। तो इस तरह के तरह तरह के कैंप भी साध संगत द्वारा लगाए जाते हैं। कुछ समय पहले डेरा सच्चा सौदा के जो गुरुजी हैं वो यूपी के अंदर आए थे, उन्होंने एक महीना शायद वहाँ लगाया था, उस समय भी काफी सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहे हैं। अब कब उनका प्रोग्राम ऐसा जो सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहे थे, कब तक उनको देखने को मिलेगा? देखिए, ये जब जो समय आएगा उनका, जब समय सुनिश्चित होगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि जो ये पैरोल होती है ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा, जब पूज्य गुरु जी द्वारा कभी याचिका वहाँ एप्लीकेशन लगाई जाएगी, वो उसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो एप्लीकेशन भी पूज्य गुरु जी द्वारा लगाई जाती है और पैरोल देने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, तो उसके बारे में मैं अभी आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। प्रोग्राम है ये सिर्फ हरियाणा में या पूरे देश में चलाया जाता है? देखिए, ये पूरे वर्ल्ड में साध संगत द्वारा चलाया जाता है नशा को मुक्त, नशा मुक्ति अभियान विदेशों में भी साध संगत चलाती है और यहाँ तो पूरे विश्व में हर स्टेट में, चाहे वो हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यूपी है, हर राज्य में साध संगत द्वारा ये अभियान चलाए जा रहे हैं। सर, आप डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो संगत है डेरा सच्चा सौदा, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि नया साल आज स्टार्ट हुआ है आगे बढ़ सके? देखिए, डेरा सच्चा सौदा की साध संगत को संदेश तो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी समय समय पर देते रहते हैं, उन्होंने इतने सत्संग यहाँ रिकॉर्ड किए, आज भी देखा जो चला है, तो वो
सात संगत को संदेश तो पूज्य गुरु जी ही लगाते हैं और पूज्य गुरु जी का संदेश मानवता भलाई का है और वो सात संगत लगातार करती आ रही है। पूज्य गुरु जी का संदेश नशा छुड़वाने का है, वो सात संगत लगी हुई है और हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि पूज्य गुरु जी ही फरमाते हैं कि कोई भी अच्छा दिन होता है उसको अच्छे नेक कार्य करके ही मनाना चाहिए, जैसा कि सात संगत नया साल और अपने पूज्य गुरु जी का अवतार मां नशा मुक्ति अभियान डेथ कैंपेन के तहत मना रही है। कितना आपको कितना संभव लगता है कि आप नशे को देश को मुक्त कर पाओगे, कितना संभव? देखिए पूज्य गुरु जी भी एक बात फरमाते हैं कि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हमारा काम है हिम्मत करना, वो सात संगत कर रही है पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में, आगे काम भगवान ने करवाना है और जरूर एक दिन समाज नशा मुक्त होके रहेगा। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी और इन्होंने नशा मुक्ति को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान या डेरा सदा द्वारा छेड़ा गया है उसके बारे में जानकारी दी है। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसे छुटकारा मिलना चाहिए, देश मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त देश होना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज हरियाणा के साथ।